हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टार किचन में। तो आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी, आपको जो दिख रही होगी। तो आज हम बनाने वाले हैं ककोड़े की सब्जी, यानी कि कंकोड़ा, जो ककोड़ा बोलते हैं इसको। हाँ, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, तो हमारे यहाँ ककोड़ा बोलते हैं इसको। तो बस उसी की आज सब्जी बनाने वाले हैं। तो हमने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, उसमें एक तेज पत्ता, जीरा और बड़ी इलायची। अब डालेंगे उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, इन सबको बारीक हमने चॉप कर लिया है और इनको बढ़िया से चलाते हुए भून लेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है इसकी सब्जी। ये ज़्यादातर बरसात में ही आते हैं, अच्छे भी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है इनकी सब्जी। तो बस इस प्याज को बढ़िया से हमने पका लिया है। अब हमने गला के रखा हुआ था मसाला, यानी कि धनिया, मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला पाउडर, ये हमने एक एक चम्मच लगभग लिए हैं मसाले। तो बस इनको गला के हमने इस्तेमाल किया है। तो अब ऐड कर देंगे इसमें बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, एक हमने एक टमाटर लिया है लगभग। बस बारीक इनको बढ़िया से चलाते हुए भून लेंगे मसाले के साथ। और अब ऐड कर देंगे इसमें नमक और चलाते हुए बढ़िया से मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो लगभग हमारा मसाला देखिए तैयार हो चुका है, भून चुका है। तो अब हमने बढ़िया से बॉस करके काट काट के इनको रखा हुआ था ककोड़े को, तो उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये लगभग 250 ग्राम हमने ककोड़े लिए हैं। अगर ये ज़्यादा वैसे हो तो अब हल्का सा गुनगुना पानी करके इनको गर्म पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करके इनको धो लीजिए। बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से बॉस हो जाते हैं, इसमें गंदगी सारी निकल जाती है। सो 3 से 4 बार लगभग अच्छी तरीके से इनको बॉस कीजिए, क्योंकि इनमें काफ़ी ऊपर से जो बारीक बारीक कांटे होते हैं ना, उनमें काफ़ी गंदगी हो जाती है। इस वजह से इन्हें धोने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो 3 से 4 बार अच्छी तरीके से गुनगुने पानी में आप धो लीजिए, एकदम बढ़िया से साफ हो जाते हैं। तो बस हमने बढ़िया से मसाले में मिक्स कर दिया है और बस चलाते हुए थोड़ी देर के लिए इनको इसी तरीके से छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हमने एकदम मीडियम ही रखा है और इसको अब हम कवर करके कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब देखेंगे कुछ देर बाद कि हमारे ककोड़े पके हैं या नहीं, तो चेक कर लेंगे, क्योंकि ये सूखी सब्जी है तो नीचे लगे ना, इसके लिए हम बीच बीच में इनको चला के एक बार चेक कर लेंगे। तो अभी तक ये नहीं पके हैं अच्छी तरीके से, एक बार और हम इनको कवर करके छोड़ देंगे। तो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी को पकते हुए, तो चेक करते हैं इसको पकी है या नहीं। तो बस क्योंकि जब भी सूखी सब्जी बनाते हैं तो कई बार हमें चेक करना होता है, जिससे हमारी सब्जी लगे ना। तो बस हमने देखिए बढ़िया से हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनती है ये सब्जी, एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि खाने के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत अच्छी होती है, इसके फायदे पता ही होंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ और देखिए रेडी है हमारी ककोड़ी की सब्जी। तो आप पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए हमने ककोड़ी की सब्जी बना के एकदम रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो बस अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी सब्जी कैसी लगी। तो एक बार इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिए, बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है इस तरीके से सब्जी। तो आप किसी के साथ भी खाइए और हो सके तो आप इसको टिफिन में भी बना के रख सकते हैं।